हेलो फ्रेंड्स, अगर एक लाइट टकराती है तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से सीखा था कुछ रूल्स के द्वारा। नाउ अब हम उन रूल्स को यूज़ करने का कोशिश करते हैं। कैसे? अब हम सीखेंगे। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो जो रूल्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। कहाँ पे? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कॉनकेव मिरर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है। जैसा आपने देखा था कि प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लिया, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई थी, लेकिन हम इतनी अच्छे तरीके से उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट विल अगेन बी अ पॉइंट ओनली, लेकिन हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि वह इमेज का नेचर किस तरह से है। सो इसलिए हम लेते हैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा कि हमने प्लेन मिरर में भी देखा था, बिल्कुल उसी तरह से हम कॉनकेव मिरर के केस में भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे और अलग अलग पोजीशंस पे उसकी इमेज को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट केस इज, हम मान लेते हैं, अब देखिए जैसा हमने प्लेन मिरर में करा कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पे भी रख दें, कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज जो बनेगी वह वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनने वाली है। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर में इमेज की नेचर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। किस तरह से? चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूरी पर रख देते हैं। बहुत दूरी पे मींस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब एक कॉनकेव मिरर है, लेट्स से इस तरह से मेरे हाथ में, तो मैंने बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी इमेज इस पे फॉर्म होते हुए देखना चाहता हूं। सो इट मींस वह ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? इन्फिनिटी पे। बिकॉज कॉनकेव मिरर तो आपका इतना सा होगा, इट्स वेरी स्मॉल, छोटा सा। तो इस मिरर के लिए अगर मैं कंपेयर करूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मिरर कुछ 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, इतना बड़ा, और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ 200 सेंटीमीटर्स की दूरी पे है, सो आई विल से दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इन्फिनिटी पे है, मीन्स किलोमीटर्स और लाइट ईयर्स दूर, ऐसा नहीं है। वी कैन अज्यूम ऑब्जेक्ट एट 200 सेंटीमीटर ऑल्सो टू बी एट इन्फिनिटी। हम मान सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। नाउ हमने ये देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे है, सो उससे आने वाली रेज, उससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, ऐसा हमने अजम्पशन लिया था। सो लेट अस सपोज दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कुछ इस तरह से मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। और स्ट्राइक करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यह रेस रिफ्लेक्ट होंगी। और हमने ये देखा था कि जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वह हमेशा फोकस से पास हो जाती हैं। सो इट मींस ये सभी रेस फोकस से पास हो जाएंगी। कुछ इस तरह से स्ट्राइक होके दे विल पास थ्रू फोकस। हमने क्या माना था? हमने माना था कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पेन, जैसा हमने
प्लेन मिरर के केस में एक पेन देखा था, बिल्कुल ऐसा एक पेन रखा हुआ है जिसका दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, ये टॉप है और ये उसके नीचे का पॉइंट है. सो दिस इज लाइक दिस पेन. सो दिस ऑब्जेक्ट दिस पेन इज एट इन्फिनिटी. सो आई कैन राइट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड दिस पॉइंट विल गिव यू इमेज. आई कैन से दिस इज इमेज. सो हमने ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब कि बहुत दूर है, सो उसकी इमेज फॉर्म होगी फोकस पे. सो आई कैन से इमेज इज एट फोकस. इमेज कहां पे बनेगी? इमेज इज एट फोकस. सिमिलरली अगर मैं इमेज के नेचर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक पेन है, एक लंबा पेन, इट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. लेकिन जब यहां पे लाइट रेज मीट होंगी तो हम देखेंगे कि दिस इज अ स्मॉल पॉइंट. सो आई विल से द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. इमेज किस तरह की होगी? इमेज बहुत ही छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी. तो एक लंबा पेन अगर आप इन्फिनिटी पे रख के, बहुत दूर रख के कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो आपको वो पेन बहुत ही छोटा सा दिखाई देगा. एंड व्हाट, एंड व्हाट एल्स, जो इमेज बनी है ये एक्चुअल में लाइट रेस मीट होने पे बनी है. सो वी विल से कि इमेज इज रियल. तो यह इमेज रियल होगी एंड ऑल्सो इन्वर्टेड. सो दिस इमेज विल बी रियल एज वेल एज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड किस तरह से? अगर ये पेन मैं इस तरह से रखूंगा तो मुझे इस इमेज में ये पेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जस्ट इन्वर्टेड. इट इज जैसा हमने प्लेन मिरर में देखा कि वहां पे लेटरल इन्वर्जन होता है, यहां पे इस तरह का नहीं होगा. यहां पे इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी, यहां पे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज, एग्जैक्टली अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को दूर होके किसी कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो इमेज में आपको आपका सर नीचे और पांव ऊपर की तरफ दिखाई देगा. ओके, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट केस जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा. अब क्या करते हैं? अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास लेके आते हैं, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा पास. इट मींस अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, अब हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. देखिए इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी के केस में कंसिडर करेंगे वह ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा. कुछ थोड़ा सा दूर होगा लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से कुछ 50 सेंटीमीटर है, सो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब कि वह ऑब्जेक्ट को मैं 50 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर के 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पीछे रखूंगा. इट मींस ऑब्जेक्ट जो होगा वो कुछ 56 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर पे रखा होगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैं 200 या 300 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूंगा सो आई विल से कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सो लेट अस सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, देन लेट अस से दिस इज फोकस. हम मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस मच डिस्टेंस एंड वी कैन मार्क हियर. और हम यहां पे इस तरह से मार्क करके कह सकते हैं दिस इज सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब ऑब्जेक्ट जस्ट सी के थोड़ा सा पीछे. सो लेट अस से मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पर रख दिया कुछ इस तरह से, ये पेन, और मैंने इसको इस तरह से रख दिया.
सो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वह लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी, कुछ इस तरह से। देन जो लाइट रे फोकस से पास होगी, जो लाइट रे फोकस से पास होगी, वह लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसा हमने रूल्स में देखा था। ये लाइट रे कुछ इस तरह से पास हो जाएगी, और यहाँ पे हमें कहीं पे इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। सो इमेज विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की इमेज हमें फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। क्या हम इस इमेज के नेचर को पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं फॉर्म हो रही है। तो देखते हैं, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, बहुत मीन्स एट इन्फिनिटी, इसीलिए इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो फोकस पे हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्लोज किया, वैसे ही इमेज फोकस से दूर होके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट होने लगी। हम देख सकते हैं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे पीछे लेते जाएंगे, तो इमेज भी धीरे धीरे फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, आप ऐसा देख सकेंगे। सो आई विल से कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है, दिस इज इमेज एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। सो वी विल से जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में यह इमेज फॉर्म हुई है। सिमिलरली हम कह सकते हैं इमेज इज रियल, ओके द फर्स्ट, पहले रियल तो ओके okay. सो हम देख सकते हैं इमेज जो होगी वह ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो आपकी इमेज छोटी हो जाएगी। सो वी विल से द इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश हो जाएगी अगर हम फर्स्ट केस से कंपेयर करें तो। यहां पे हमने लिखा था हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट जैसी इमेज हो जाएगी। लेकिन सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पे इमेज का जो लेंथ है वो कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि वो पॉइंट जैसा दिखे, वह हमें कुछ फाइनाइट लेंथ का दिखाई देगा। जैसे कि अगर ये पेन, तो हो सकता है ये पेन मुझे छोटा दिखे लेकिन पॉइंट नहीं दिखेगा, छोटा जरूर दिख सकता है बट इट 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 डज नॉट रिजेंबल अ पॉइंट। ओके सो वी विल से इमेजेस डिमिनिश, छोटी हो गई है लेकिन पॉइंट नहीं हुई है। सो इट इज नॉट हाईली डिमिनिश्ड, इट इज डिमिनिश्ड। देन हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसका कैप यहां पे है और इमेज का कैप नीचे है। सो वी विल से इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो फॉर्म हुई है वह इमेज रियल है क्योंकि लाइंस आर एक्चुअली मीटिंग हेयर, जो लाइट रेस हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही हैं। सो वी विल से द इमेज इज रियल, लेकिन इमेज इन्वर्टेड है, बिल्कुल उल्टी है। सो एग्जैक्टली जैसा पहले केस में था कि इमेज इन्वर्टेड बनती है, उसी तरह से यहाँ पे भी इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी। बस फर्क इतना होगा कि वहां पे हाईली डिमिनिश थी, यहाँ पे डिमिनिश होगी। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते जाएं, पीछे पीछे टिल इन्फिनिटी, सो इमेज जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। सो वी विल से कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इमेज अपने आप ही फोकस पे शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सो विल से कि इमेज आगे आगे शिफ्ट होती जा रही है। ओके तो अब हमने क्या करा, हमने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फॉर्म करके देखी तो कुछ अलग तरह की इमेज फॉर्म हुई, फिर उसको जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेके आए तब इमेज अलग तरह की फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, बिल्कुल नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं। सो द थर्ड केस विल बी
थर्ड केस विल बी एट सी. एट सी मीन्स ऑब्जेक्ट एट सी. हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा तो किस तरह की इमेज फॉर्म होगी हम ये देखना चाहते हैं. लेट अस से दिस इज फोकस. एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट को हमने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा. नाउ अगेन वही जो रूल्स हमने देखे थे रिफ्लेक्शन के बायोस्फेरिकल मिरर, उन रूल्स को यूज करके हम इसकी इमेज फॉर्म करते हैं. सो हमने देखा था कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वह लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है. यू नीड टू रिमेंबर दीज रूल्स. ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं, इसीलिए मैं इन रूल्स को बार बार रिपीट करूंगा ताकि ये आपके माइंड में स्ट्राइक हो और आपको याद हो जाए. सो सिमिलरली द सेकेंड वन इज ये लाइट रे कुछ इस तरह से पास हो जाएगी. सिमिलरली सेकेंड लाइट रे जो कि फोकस से पास होगी, हमने ये सीखा था जो लाइट रे फोकस से पास होती है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. और हम ये देख पाएंगे कि जो इमेज फॉर्म होगी वह एग्जैक्टली एट सी फॉर्म होगी. हम ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से था, दिस वॉज द ऑब्जेक्ट, सो दिस वॉज माई इमेज. यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से इमेज अगेन इन्वर्टेड फॉर्म हुई, इमेज अगेन रियल फॉर्म हुई. पर एक चीज जो एक्स्ट्रा हो गई कि इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे फॉर्म हुई. हम देख सकते हैं यहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ गैप है. सिमिलरली यहां पे भी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ गैप है, लेकिन यहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे दिखाई देंगे, एक ही पॉइंट पे. सो आई विल से कि इमेज जो बनी है वो एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वह इमेज फॉर्म हुई है. सेकेंड थिंग इज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज जो है छोटी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड. यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज अगेन थोड़ी छोटी दिख रही है, दैट इज डिमिनिश्ड. लेकिन यहाँ पे इमेज आपको बिल्कुल सेम साइज की दिखाई देगी, एग्जैक्टली उसी साइज की दिखाई देगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है. सो आई विल से कि इमेज इज ऑफ सेम साइज. जो इमेज फॉर्म होगी वह बिल्कुल उसी साइज की होगी जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है. देन वॉट देन नेक्स्ट इज, जैसा यहां पे था रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पे भी था रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हम यहां पे भी रियल एंड इन्वर्टेड कह सकते हैं? यस. क्यों? क्योंकि रियल इमेज इसलिए क्योंकि लाइन लाइट रेज एक्चुअल में इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और इन्वर्टेड इसलिए हम देख सकते हैं इसका टिप यहां पे है तो इसका टिप यहां पे दिख रहा है. सो आई विल से थर्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. जो इमेज फॉर्म होगी वह इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड फॉर्म होगी. इट मीन्स ये कुछ किस तरह से देखेंगे, अगर आप इस तरह से इस पेन को देखें, लेट से मैं पेन को यहां पे ऐसा रख देता हूं, ऐसा इस तरह से. सो मुझे ये दिखेगा कि इस पेन की एक इमेज यहां पे ऐसी फॉर्म हो रही है, जस्ट ये पेन उल्टा हो गया एंड समथिंग लाइक दिस. सो अगर ऐसा ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज मुझे इसके नीचे ही इस तरह से दिखाई देगी. इमेज कैसे दिखेगी? यहां पे मैं एक शीट लगा दूंगा, एक पेपर शीट. सो पेपर शीट पे मुझे ये ऊपर वाला पेन बिल्कुल ऐसा दिखेगा और ये इमेज इसके नीचे इस तरह से इसको टच करती हुई दिखाई देगी.
हम देख सकेंगे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट और इमेज हैं इनका बॉटम एक दूसरे को टच कर रहा है, ये इस तरह से टच करता हुआ आप इसको देख सकेंगे। ओके तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हैं, मिरर के पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज भी ऑब्जेक्ट से मिरर से दूर होती जा रही है। ओके सो अब क्या करेंगे नेक्स्ट। ओके सो लेट अस सी द फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ। हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, और अब हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, दैट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द मिरर, कुछ इस तरह से कॉनकेव मिरर, देन लेट अस से दिस इज फोकस, सो इतने ही डिस्टेंस पे हम मार्क करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड लेट अस से ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ इस तरह से रखा हुआ है। नाउ अब क्या होगा, अब जो लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर को इंसिडेंट होगी वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। सो दिस लाइट रे विल गो लाइक दिस, आप देख सकते हैं पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हुई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, हम मान सकते हैं एक लाइट रे जो कि फोकस से पास हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैरेलल लाइट रे और फोकस से पास होने वाली लाइट रे भी लें, आप दूसरी लाइट रे भी ले सकते हैं, जैसा हमने एक पोल पे टकराने वाली लाइट को देखा था। सो पोल पे जो लाइट रे टकराएगी वो एग्जैक्टली उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है, ऐसा हमने देखा था, तो हम उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स नॉट द इशू। ओके सो अभी हम बनाते हैं फोकस से पास होने वाली लाइट, तो टकराने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होते समय और यहां पे हमें कुछ इस तरह से एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। हमें कुछ इस तरह से एक इमेज फॉर्म होती हुई यहां पे दिखाई देगी। नाउ क्या हम इमेज की पोजीशन बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इमेज की पोजीशन कहां पे है? इमेज की पोजीशन इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट मींस अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे सो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होगी। अगर हम इस केस को देखें, सेकेंड केस को, सो यहां पे हमने एग्जैक्टली फोर्थ केस का उल्टा किया था। कैसे? यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और इमेज फॉर्म हुई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे और आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस केस एंड दिस केस आर सिमिलर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं जस्ट ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन एक तरह से इंटरचेंज हो गई है, वी कैन से। जैसा हमने यहां पे देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। सो क्या आप बता सकते हैं यहां पे किस तरह से होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, यहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज अगर डिमिनिश हुई सो यहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो वी विल से हियर वी विल गेट एन एनलार्ज इमेज, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी। एंड व्हाट एल्स, क्या हम कह सकते हैं इमेज इज रियल? यस वी कैन से दिस। एंड क्या हम कह सकते हैं इमेज इज इन्वर्टेड? यस वी कैन से। तो थर्ड पॉइंट इज वी कैन से इमेज इज रियल एंड
इन्वर्टेड। सो इमेज जो होगी वो रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। ओके सो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। अब हम इसको और आगे शिफ्ट करते हैं। और आगे कहां पे शिफ्ट करेंगे? यस, वी विल शिफ्ट इट टू फोकस। सो अगर मैं इन द फिफ्थ केस वी विल सी कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, हमने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस के ऊपर रखा। सो अभी जैसा हमने फोर्थ केस को और सेकेंड केस को कंपेयर किया था, तो बताइए कि फिफ्थ केस को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? फिफ्थ केस को हम फर्स्ट केस से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि यहां पे इमेज फोकस पे बनती है। अब जहां पे इमेज बन रही है, इस बार मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब किस तरह से होगा? चलिए उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे इस तरह से रखा हुआ है। सो जो लाइट रे पैरेलली इस मिरर को टकराएगी, वह लाइट रे फोकस से पास होगी। And it will go like this. Similarly, जो light ray, अब let's say हम पोल पे जो टकराती है light ray, उसको consider करते हैं। So पोल पे जो light ray टकराएगी, वह कुछ इस तरह से strike करेगी। Then law of reflection को follow करते हुए, वह light ray कुछ इस तरह से reflect back हो जाएगी। And we will see कि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वह लाइट रेज पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वह लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। सो पैरेलल हो जाएगी, इट मींस इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। हम ऐसा मानते हैं कि जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं, वो पैरेलली आती हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो लाइट रेज इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, वह लाइट रेज इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाती हैं। सो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी जो लाइट रेज हैं, वह इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगी। सो वी विल से कि इन्फिनिटी पे अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं आगे की तरफ, सो हम देख सकते हैं कि इमेज जहां पे भी बनेगी, बहुत ही एक बड़ी इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। सो आई विल से कि यहां पे इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। सबसे पहली चीज कि इमेज जो बनेगी वह इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइट रेस हमेशा इन्फिनिटी पे जाके मीट होती हैं, ऐसा हम मानते हैं। सो सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, यहां पे सेम साइज की थी, यहां पे एनलार्ज थी एंड यहां पे हाईली एनलार्ज, यहां पे बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। सो वी विल से इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, इमेज इज हाईली एनलार्ज। देन व्हाट वी विल सी, वी हैव सीन दैट दिस इज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हर केस में रियल इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। क्या हम कह सकते हैं यहां पे भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी? यस, वी कैन से कि यहां पे भी जो इमेज फॉर्म होगी वह एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। थर्ड केस विल बी, थर्ड पॉइंट, थर्ड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर मैं एक पेन फोकस पे रख दूं, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे इस तरह से एक पेन को रख दूं, सो मुझे इसकी एक रियल इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज इस तरह से बहुत बड़ी इन्फिनिटी पे दिखाई देगी, काफी दूर पे दिखाई देगी। ओके, दिस इज एट फोकस एंड इन्फिनिटी। सो वी हैव सीन कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाके फोकस तक अलग अलग पॉइंट्स पे रख के देखा, और हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक आता है, तो हर बार रियल इमेज और रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। लेकिन एक चीज कि इमेज धीरे धीरे, इमेज का साइज बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे हाईली डिमिनिश थी, फिर यहां डिमिनिश थी, फिर सेम साइज की हुई,
फिर बड़ी हुई और फिर बहुत बड़ी हो गई। एंड रियल इन्वर्टेड तो हर केस में थी। सो वी कैन सी कि फर्स्ट केस इज सिमिलर टू द सॉरी फर्स्ट केस इज सिमिलर टू द फिफ्थ केस एंड सेकेंड केस इज सिमिलर टू फोर्थ केस एंड दिस इज अ मिड केस, ये बीच का केस है एक, हम देख सकते हैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की। अगर ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके जाते जाऊं तो इमेज बड़ी होती जाएगी, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते जाऊं सो इमेज छोटी होती जाएगी। ओके, दीज आर द फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेज ऑफ नेचर ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। सो वन मोर केस इज लेफ्ट, यू कैन नोट दिस।